नमस्कार दर्शक बंधु, राइजिंग ओडिशार 10 प्रश्न कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुछे मु धरित्री। दर्शक बंधु, आज आम सह अछंती संगीत जगतर बादशाह श्रीजुक्त लक्ष्मीकांत पालित। सर नमस्कार, कार्यक्रम को आपण को स्वागत। आमर प्रथम प्रश्न टी रहिबो संगीत प्रति प्रेम केबेठु आउ केमिति आरंभ होला। प्रथमे मु राइजिंग ओडिशार समस्त दर्शकंकु नमस्कार करुछि। संगीत प्रति प्रेम से तो जगन्नाथंकर दान, किंतु कौनसी एक माध्यम थाए। मु मो छोटबेल कथा कहिबि, मो माँ जने सुंदर गायिका थिले, रवींद्र संगीत नजरुल गीति। आमे जेहेतु बंगीय परिवाररु बिलंग करू, रामप्रसादी श्याम संगीत से गाँती। गोटे वर्ष कि ता पूर्वर हुए तो जितेबू मु सुर शुणा आरंभ कल कान मुझे गीत शुणी आँख हारमोनियम बजा देखिक आसी। तेणु पांच वर्ष हारमोनियम बजेवा आरंभ कर तेणु मोर से संगीत प्रति मो प्रेम, मोर इच्छा, मोर अनुरक्ति, मोर चेष्टा आरंभ है और महाप्रभु आज पर्यंत टाणी आनी। सर, संगीत दुनिया प्रति आपणकर अनेक अवदान रही, गोटे एमती बलिष्ठ अवदान कहतु जो आप अबुला हो रही। मु अबुला है कि रही कि लोक मैंने मत भूली मुझे से कथा जानी, किंतु एपर्तंत लोक मैंने मत चाहते भूली ना। देशात्मबोधक संगीत कहले से कहते आम लक्ष्मीकांत पालित को बुझाऊ एवं बस से मोर विराट बड़ से आशीर्वाद। आउ केवल संगीत को मु देशात्मबोधक संगीत को मु मो निज भितर सीमित रखी ना, मु से गीत को हजार हजार पिलांक भितरे एबे आपण हुए तो जानी थे जे 72,000 पिला भारतीय शिक्षा विकास संस्थान रो गोटे पड़िया रे से माने बरमुंडा पड़िया रे गाई थिले वंदे उत्कल जननी वंदे मातरम, जहार उद्घाटन करथिले आमर प्रिय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक जी। आपण अनेक देशात्मबोधक गीत गाई, भक्ति गीत गाई, आधुनिक प्रति सेमती किसी रुचि ना ना समय पाईना हुए तो मुझे दोष देवी आपत तो ए मोर इंटरव्यू नौकर। भक्ति गीत बहुत गाई, हजार हजार मोर सब गीत मिसीगले 3,000 पाखापाखी गीत मु गाई। आधुनिक कम गाई, आधुनिक गाई झीओ दीटी हारा मौसीर तल उपर 16-17 बड़ मालती सान ललिता जड़े कहानी जड़े कविता। ना तू चिट्ठी देलु, ना देलु खबर, ना तू पर कलु, ना हेलु निजर। तेणु देर आर लट अफ आधुनिक संगीत, किंतु मोर संगीत गाइबारे मु जानी जे भजन रेबे एपट सेपट हेनी। देशात्मबोधक तो मु विशेषकर पुरातन रचना रु गाए, आधुनिक रचनारु बर्तनरु बहुत कम गाई, तबे भी गाऊँ बहुत भल भल लेखक मानकर गाँव ममता नायक कहतु, अरुण मंत्री कहतु, आप चक्रवर्ती कहतु, मोही चक्रवर्ती समस्त गाँव। किंतु आधुनिक गीतटा बर्तमान गाइला बेलू आधुनिक गीतर जो खसड़ाटा खसी जाए टिके तलकू से गाइबा एत संभव नुहे। तेणु मु चेष्टा करुची जे जेतिके आधुनिक गाइले लिमिटेड रहिबे एवं आधुनिक मो फिल्म रे जो गुड़िक अच्छी तुम्हें जिते दूरे मन से दूर सब गुड़ाक आधुनिक। तेणु आधुनिक गीत खराब नुहे, आधुनिक गीतर लेखा जदि ठीक बालान्स रहा, साहित्य जदि भल रहा निश्चित भाव ता ग्रहणीय हम। आधुनिक मु अपेक्षाकृत भजन एवं देशात्मबोधक कम गाई। बर्तमान आधुनिकता भितर प्रकृत संगीत तार अस्तित्व हराउछ कि? प्रथम जिनिष जे प्रकृत संगीत बोली आम काहु को कहवा, पीढ़ी पर पीढ़ी संगीतर टेस्ट बदलू। से समय थिला लोक गीत शुणुले गीतर सुर केमती होता बुझुले, गीतर सुर पर समय दूसरे गायक गायिका गोटे नुहे 6-7 रिहर्सल गीत स्टूडियो को जाऊँ। से लता मंगेशकर जी हूँ, किशोर कुमार जी हूँ, प्रणव किशोर पट्टनायक हूँ, अक्षय महांती हूँ, किंतु वर्तमान खाली कान लगे टिके गाइदे कथा कहना ताद सेमती किसी जिनस रहूनी।
जो थे कि गोटे गायक व गायिका को भाविया को पड़ो। आज आप रियलिटी शो देखते रियलिटी शो रे जो मैंने वास्तविक जहाँ को कौन भल सिंगर बोली से मैंने से ही लता मंगेशकर आशाजी हूँ श्रेया घोषाल हूँ किशोर कुमार हूँ मोहम्मद रफी हूँ मानाडे हूँ एम को गीत गाई से रियलिटी शो रे पुरस्कार पाते। सो दैट इज द एग्जांपल। संगीत व्यतीत आउ केउथरे आपनकर रुचि रहिछि? संगीत व्यतीत जदि समय बढ़ू था मो रुचि के आउ टिके बढ़ी थांती कारण मो रुचि रे जो माने मते चिन्ही छथि जो माने मते छुआ बड़ देखि छथि मो सांग माने अछथि फुटबॉल खेलिबारे मो सिद्धहस्त एवं सेंटर फॉरवर्ड खेलिबारे दौड़िबारे बहुत सिद्धहस्त एवं क्रिकेट खेलिबारे मध्य समस्त मते जानथि तेणु ये दुटा खेल प्रति मोर दुर्बलता अच्छी आपण मैंने आश्चर्य होते जदिवा से फ्रेंडली मैच थी म्यूजिकल पड़िया रे हाँ ओल्ड बॉयज एसोसिएशन रे मु कैप्टेन थी मत से होता 56 वर्ष से मु क्रिकेट खेली। संगीत जगतर आप जे पिलार ये संगीत जगत को आसपे आपड़ के बाधा सामना कर देखु बिना बाधा विघ्न रे एमती कौन सी संगीतज्ञ नहांती जो माने ऊपर सोपान ने पहुँची चंती देर आर लॉट ऑफ हर्डल्स लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव पर्सन सार दे आर मुझे जो गीत गाऊँ मो सांगे गीत गाइवा लोक बहुत अच्छा मुझे एकटिया नुहे तेणु मत भितर निजक सजाड़ी ठिया करा पड़ो। आम जो प्रथम पीढ़ी को शुणिलु अक्षय महांती कहतु आप मोहम्मद सिकंदर आलम कहतु प्रणव किशोर पट्टनायक कहतु इनको जो आम शुणिलु आम से रघुनाथ पाणिग्रेय को शुणिलु आम एमती कौन आम गईपरू के सुंदर से मैंने गाँव दे आर फर्स्ट जनरेशन आप हिसाब करते दे आर फर्स्ट जनरेशन तापर आम मैंने आसल मुझी सुभाष शेखर घोष तानसेन सिंह जो मैंने सब आसब परिश्रम करक्लांत परिश्रम निजर बेसमेंट को सुदृढ़ करने या नुहेजे से टपिक जीवे इट इज नॉट ए फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ हूँ निजे निज जगह गोटे पीढ़ी में संभालिक रखा अर्थात आम सात आठ जन निजक संभालिक रखिलु से समय रे। तापर जो पीढ़ी आसला से संभालुंत आस तेणु अप एंड डाउन अच्छी से पड़ो से निज मुह लोक देखा पड़ो। लक्ष्मीकांत पालित गोटे ना नुहे गोटे ब्रांड आज ये स्थान में पहुँचा पर आधिक कौन आशा रही? मोर के आशा नाला कि मु गाई चली लोक मैने पसंद करे कौन ये ओडिसी म्यूजिकटा बहुत बढ़िया है आम का देखल सृजन रोटे होता जटाई मक्ष देखल आम का देखल इलियाना नाचुले आपंकर आम का देखल अंग यहाँ गोटे ओडिसी फैक्टर देशात्मबोध गीत आम आपर शुणलु उठ कंकाल छिड़ी शृंखल किए कौन भजन आज्ञा जाइल कि जमुना कूड़े किए कौन कलाशंख बाजुची तेणु विभिन्न प्रकार रे लोक मानकर आशीर्वाद मत मिली एवं यात्रा कहतु आप शुणा बर्षी मिले कथा रहा मुग स्वर को चंदन टोप को नालीता जीवंता सब म्यूजिक मोर आई गॉट 5 स्टेट अवार्ड इन यात्रा अल्सो किंतु आशा कौन मुझे ठाकुर जथेष्ट सम्मान दिया कर तेणु आशा मोर किछि नाही जहाँ मिलुची सेटा ही लोक मानकर दान बोली मु आशा करुछि। युवक समय रे आमे देखि आसुछु आपन को आपन लंबा कुर्ती आ मुहरे दाढ़ी आरो राज कोड़ लंबा कुर्ती आ मुहरे दाढ़ी रो राज किछि नाही मते दाढ़ी भल लागे तेणु मोर सावाक हवा दिन अर्थात दाढ़ी जिते उठिला से आज पर्यटन टिल टुडे मु दाढ़ी काटी ना हाँ मझे केमी काटी कहीं मत मुझे एक्टिंग करूली केत अभिमन करी केत रामचंद्र करी तेणु से समय मत दाढ़ी काटा पड़ो क्या दाढ़ी तो रामचंद्र बाहर कि अभिमन्यु बाहर तेणु तापर पुणी जमती दाढ़ी थी कथा रहा आ ड्रेस कथा ड्रेस वास्तविक मु जत गीत गायक जाए से पंजाबी पिंधिक जाए किंतु जाऊँ किंतु से सेंट्रल स्कूल चाकरी करूँ आम टाई भिड़ू इन करी टाई कोर्टर फटो ये अच्छे आपखिपारे डीपीएस दैट देर वाज वेरी हार्ड रूल ऑफ टाई एंड पैंट सर्ट कोट तेणु से मुझे पूरा अनुबंधित थी
ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧି ଯାଉଥିଲି, ହେଲେ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଟାଇ କୋର୍ଟର ବାହାରେ ଅନୁବନ୍ଧନର ବାହାରକୁ ସ୍କୁଲର ବାହାରକୁ ବା ରେଗୁଲେସନ ବାହାରକୁ ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧେ ଏବଂ ସେ ପିନ୍ଧୁ ପିନ୍ଧୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ସବୁବେଳେ ମୋ ଦେହରେ ରହିଲା ପଞ୍ଜାବୀ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ପସନ୍ଦ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବ ଗୀତିକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ କାହାକୁ ଶୁଣନ୍ତି ବେଶୀ ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ? ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୀତିକାର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାୟକ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଗୀତିକାରର ଗୀତ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ, ତାପରେ ଆସିଲା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ, ତାପରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଆସୁଛୁ ଗାୟକ ବା ଗାୟିକା ନା, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଆମେ କମାଉଛୁ। ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦ ପଲ୍ଲୀ ଗୀତଟା କ'ଣ ଗାଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ ହୁ ହ୍ୟାଡ୍ ଗିଭିନ୍ ଦ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ହୁ ହ୍ୟାଡ୍ ରିଟନ୍ ଦି ଲିରିକ୍ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲିରିସିଷ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଲେଖା ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଆପଣ ଶିବବ୍ରତ ଦାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୋହିତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ସିଂ, ଶିବବ୍ରତ ଦାସ, ମୋହିତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ମାନେ ଯେତେ ଭଲ ରାଇଟର ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଶତପଥୀ, ସେମାନଙ୍କର ଏବେକାର ପିଢ଼ିର ଲେଖା ବି ବହୁତ ଭଲ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର ଲେଖାକୁ ଦେଖିକି ସେହି କିଛି ଲେଖାର ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଆସିଲା। ତେଣୁ ମୋର କାହାକୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜଣକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଗୋଟାଏ ଲୋକର ଗୀତକୁ ଗାଉନା, ଆମେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ଗୀତକୁ ଗାଉ, ତେଣୁ ଯାହା ଗୀତ ଭଲ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସୁ। ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇକି ଆପଣ କିଛି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେଦିନ ମୋତେ 68-69 ହେବ, ଆଉ ଯେତେଦିନ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ସମୟ ମିଳୁନି। ମୋ ଦୁଇ ପୁଅ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ମୋ ସହଧର୍ମିଣୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ସମୟ ଦେଇକି ମୁଁ ନିଜେ ସମୟ ବାହାର କରିକି ମୋ ରିଆଜ କରି ତାପରେ କେଉଁ ସମୟ ମୁଁ ପାଇବି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିବି। ବହି ଲେଖିବାଟା ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ କଷ୍ଟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ବହି ଲେଖିବାଟା ହେଲା ତର୍ଜମା। ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି ବହି ଲେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଯଦି ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକ ଯଦି ସମୟ ଖାଲି ଗୀତରେ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବେ, ସେ କେଉଁଠି ସମୟ ପାଇବେ ବହିଟେ ଲେଖିବା ପାଇଁ? ଯେ ଭଲ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଗାଇବା ଲୋକ ସେ କେବେ ବହି ଲେଖିପାରିବିନି, ଆଉ ବହୁତ ବହି ଲେଖିବା ଲୋକ ସେ କେବେ ବେଶୀ ଗୀତ ଗାଇପାରିବେନି। ସାର୍ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟ ସରିଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।